हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या अर्ली प्रेगनेंसी में जुकाम होना, बुखार होना भी एक प्रेगनेंसी का लक्षण है। इसके अलावा हम ये सब कुछ जानेंगे कि ये कब से शुरू होता है, क्यों होता है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप यूट्यूब सहेली को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहे, क्योंकि मैं डेली एक रोचक और फर्टिलिटी से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आती हूँ जिससे कि आपको भी जल्दी कंसीव करने में मदद मिल सकती है। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले ये लक्षण शुरू कहाँ से होता है, कब होता है, महीने के वो कौन से दिन है जब ये लक्षण एक महिला को शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही एक महिला को सफल इम्प्लांटेशन हो जाता है, गर्भ ठहर जाता है, तो पहले दूसरे हफ्ते में ही ये लक्षण चालू हो जाता है, दिखने लग जाता है। बहुत तेज नहीं, लेकिन हाँ, आधे से एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है महिला के शरीर का, और ऐसी कंडीशन में थोड़ा बहुत जुकाम के भी लक्षण मालूम पड़ते हैं। हालांकि ये सभी महिलाओं को नहीं होता, कुछ ही रिसर्च जो बताते हैं वो ये है कि कुछ प्रतिशत महिलाओं को ही ये लक्षण बुखार और जुकाम का दिखाई पड़ता है। दूसरी बात कि शुरुआती प्रेगनेंसी में जुकाम और बुखार होने का कारण क्या होता है, कहीं किसी खतरे की घंटी तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी का शुरुआती महीना फर्स्ट सेमेस्टर बहुत सारे बदलाव लेकर के आता है। इन्हीं बदलावों में से एक होता है हमारे इम्यूनिटी का कम होना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी, हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में जो इम्यूनिटी होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो बाहरी ऑब्जेक्ट्स को, जो भी बाहरी चीजें बॉडी में इंट्रूड करती हैं, उनसे फाइट करती है और उनको बाहर निकालती है। तो गर्भ भी एक ऐसा ही बाहरी इंट्रूजन तरीके से कंसीडर करता है। तो अगर इम्यूनिटी ज्यादा रहेगी तो प्रेगनेंसी को खतरा हो सकता है। इसी लिहाज से ये मेकानिज्म है हमारे शरीर का कि जैसे ही एक महिला गर्भ धारण करती है उसका इम्यूनिटी का लेवल थोड़ा कम हो जाता है, और यही लोअर्ड इम्यूनिटी रीजन है हल्के बुखार का, हल्के फुल्के जुकाम का। अर्ली प्रेगनेंसी में जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो सांस का पूरा तंत्र होता है, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं, और वो बदलाव भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे को हल्के फुल्के जुकाम के लिए। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अर्ली प्रेगनेंसी में कुछ महिलाओं को बुखार होता है, थोड़ा बहुत जुकाम होता है, इसमें किसी भी तरह की घबराने की बात नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा पक्ष है इसका, कि अगर वो बहुत तेज बुखार हो या फ्लू के लक्षण हो, या फिर आपको बुखार के साथ साथ डिस्चार्ज हो रहा हो, वजाइनल डिस्चार्ज आ रहा हो, पेट में किसी तरह का क्रैम्प हो रहा हो, या फिर आपको जो यूरिन है बहुत लो हो गया हो, यूरिन की फ्रिक्वेंसी बिल्कुल कम हो गई हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या हमें इसको सामान्य समझना चाहिए? तो नहीं। ये कंडीशन अगर बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, ये जब सारी चीजें होने लग जाती हैं, डिस्चार्ज भी हो रहा है, आपको लोअर एब्डोमेन में आपको क्रैम्प भी आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को संपर्क करना है, उनको दिखाना है, क्योंकि ये संभावित मिसकैरेज का भी लक्षण हो सकता है, जो कि अर्ली प्रेगनेंसी में शुरुआती पहले से 6 हफ्तों में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं मिसकैरेज के। तो अगर आपको बुखार बहुत ज्यादा है, तो ये सारे सिम्टम आ रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है। लेकिन हल्का बुखार और जुकाम बिल्कुल सामान्य होता है, इससे आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स पे एक एक सिम्टम को मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि आप में से जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट होने की तैयारी कर रही हैं, कंसीव करना चाहती हैं, उनको इनमें से कोई भी कुछ एक लक्षण हो, 3-4 लक्षण पाए जाते हैं, तो जनरली हम प्रेगनेंसी पॉजिटिव समझ सकते हैं टेस्ट करने से पहले। तो आपको मदद मिल सके इसलिए मेरे सारे प्रेगनेंसी सिम्टम्स के वीडियो देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियोज को देखें, आपको बहुत ही मदद मिलेगी अपनी प्रेगनेंसी को समय से पहले बहुत ही जल्दी अच्छे से समझने में। इसी तरह जुड़े रहें YouTube सहेली के साथ में। जल्दी ही मिलूंगी एक नए विषय के साथ। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय।